तो छठ का त्योहार रियासी में धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस समय हम रियासी के कैमलडंगा इलाके में हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं पूजा जो है वो इस समय चलती हुई। हर साल इसी स्थान पर छठ का त्योहार मनाया जाता है और यूपी बिहार से खासकर जो लोग आए हैं वही इसका जो आयोजन है वो करते हैं और उन्हीं दो राज्यों के ज्यादातर जो लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद रहते हैं। यूपी, बिहार, झारखंड और वेस्ट बंगाल में खास तौर पे छठ के त्योहार को मनाया जाता है और यहाँ यहाँ पर इन राज्यों के लोग रहते हैं या फिर काम करने के लिए गए हुए हैं, वहां पर भी ये लोग छठ पूजा करते हैं, छठ का त्योहार धूमधाम से मनाते हैं। चार दिनों तक ये जो त्योहार है वो मनाया जाता है। आज तीसरा दिन है। आज खास बात ये होती है कि अब जो ढलते सूरज को अर्घ दिया जाएगा और कल सुबह चढ़ते सूरज को अर्घ के साथ इस त्योहार की समाप्ति हो जाती है। और इस समय हम कैमलडंगा में हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं पूजा अर्चना चल रही है और तमाम तरह की रौनक यहाँ पे है। पटाखे भी इस त्योहार के मौके पर चलाए जा रहे हैं और ये जो तालाब है कैमलडंगा में, क्योंकि इससे पहले जो है वो अंजी रिवर के किनारे लोग जाते थे, लेकिन उसके बाद से यहाँ पर यह त्योहार मनाया जा रहा है और यहीं पर आमतौर पे गंगा के किनारे या फिर जो भी जो धार्मिक नदियां हैं उनके किनारे में जाकर लोग जो हैं इस त्योहार को मनाते हैं और सूरज को अर्घ देते हैं। लेकिन रियासी में कैमलडंगा में इस तालाब के किनारे इस त्योहार को मनाया जाता है। तो ये तस्वीरें रियासी के कैमलडंगा से आप देख रहे हैं। कुछ लोगों से भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे इस त्योहार के बारे में। यहाँ पर तमाम लोग मौजूद हैं, थोड़ा समझना चाहेंगे इस त्योहार के बारे में और किन किन राज्यों में मुख्य तौर पर यह त्योहार मनाया जाता है। सबसे पहले मैं जितने भी माता पिता है भाई बहन है उनके लिए मैं छठ पूजा के हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। और ये ज्यादातर पर बिहार, यूपी, कलकत्ता, बंगाल, बम्बे में सब मनाया जाता है। जी चलिए, तो रियासी में क्या क्या होता है? क्या तीसरे दिन ही इस तरह से ये पंडाल लगाया जाता है या पहले दिन से? पहले दिन से ये पंडाल लगाया जाता है। आज हमारा फर्स्ट डे है और कल ये सुबह मॉर्निंग में ये खत्म हो जाएगा। जी चलिए, क्या क्या किया जाता है इस दौरान इस छठ के मौके? छठ के मौके में जो माता बहने हैं जो व्रत रखे हैं 24 घंटे का बिना जल पान का व्रत रखते हैं, तो फिर तो व्रत हो गया और पूजा अर्चना की जाती है। हाँ, छठ में जैसे सूर्य भगवान के पूजा अर्चना है, छठ पूजा होता है जो सूर्य भगवान के लिए किया जाता है। इसमें ये जो पूजा अभी हम देख रहे हैं यहाँ पे पूजा चल रही है, ये ढलते सूरज के समय की जाती है या काफी पहले से ये पूजा चल रही है? पहले दिन तो सूरज ढलते समय किया जाता है छठ पूजा, फिर अगले दिन जब सूर्य उदय फिर होता है फिर उसकी पूजा की जाती है। जी चलिए, क्या मायने रखते हैं आप तमाम लोगों के लिए, खासतौर पर यूपी, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल के लोगों के लिए इस त्योहार के क्या मायने? इस त्योहार के यही माना के सबसे बड़ा त्योहार माना जाता है। जी, बिहार का सबसे बड़ा त्योहार है छठ पूजा। जो ये कुछ मतलब मन से अपने मांगते हैं वो श्रद्धा पूर्वक पूरा हो जाता है। इससे हमारे बिहार में देखा देखी लोग और भी अपनाते हैं इस पर्व को और हमारे साथ बहुत सारे ऐसे आदमी है जो इस पर्व के लिए जुटे हैं और पूछते हैं किस तरह का व्रत किया जाता है। यहाँ के लोकल भी पूछते हैं? जी सर, यहाँ के लोकल ही पूछते हैं। गणेश उत्सव के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो पहले वो महाराष्ट्र या कुछ और राज्यों में होता था, अब यहाँ भी शुरू हो गया। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं आप, आने वाले सालों में लोकल लोग भी आपके साथ शामिल होंगे या फिर अलग से प्रोग्राम भी करेंगे? जी सर, आगे वाले दिनों में कुछ टाइम जैसे 2-3 साल के बाद यहाँ के भी लोग ये अपना लेंगे बस छठ पूजा, जबकि अभी पूरी जानकारी नहीं है। अभी 2018 से यहाँ पे चल रहा है ये छठ पूजा का त्योहार, तो धीरे धीरे समझ आ जाएगा लोगों का, तो यहाँ का भी लोकल लोग भी ये अपना लेंगे त्योहार। जी जी, 2018 से यहाँ पर मनाया जा रहा है त्योहार। और थोड़ा समझना चाहेंगे, पहले जो मुझे जानकारी है अंजी नदी के किनारे भी कुछ लोग जाते थे, उसके बाद कब से यहाँ पर आप ये मना रहे हैं? सर 2018 से, 18 से कैमलडंगा में। कैमलडंगा तो यहाँ पे तालाब है, तालाब के किनारे पानी के किनारे पानी के पानी क्या किया, स्नान भी किया जाता है यहाँ पे? जी नहीं सर, यहाँ स्नान में अर्घ दिया जाता है तालाब के पास। तो सुबह सूर्य उगने से पहले, उगने के बाद सूर्य का फिर अर्घ दिया जाता है, फिर पूजा समाप्त हो जाती है। ये 48 घंटे का टोटल व्रत होती है, निर्जला व्रत होती है 48 घंटे का। तो क्या लगता है आपको, लोकल लोग भी शामिल होंगे? अगर होंगे तो खुशी होगी, और ज्यादा खुशी होगी। जी सर, जी सर। वैसे आप अपनी तरफ से अभी आमंत्रित करते हैं लोगों को या अभी ऐसा कुछ करते नहीं? हैं सर, करते हैं, लोकल लोगों को बुलाया करते हैं सर। चलिए, आप क्या कहना चाहेंगे इस खास मौके पर और
काफी दूर से आप यहाँ पे आए हैं, जम्मू कश्मीर के रियासी डिस्ट्रिक्ट में आप हैं, रियासी के कैमलडंगा में इस समय आप मौजूद हैं, तो घर वालों की भी याद आती है या ज्यादातर लोगों की जो परिवार वाले हैं वो यही रहते हैं? यहाँ तो सब लोग को याद होता है, जो फैमिली जो यहाँ होता है घर वाला भी होता है, लोग घर पे भी जाते हैं। अभी इस मौके पर बहुत से आपके जो साथी हैं बिहार गए होंगे, यूपी के सर, घर पे ज्यादा लोग नहीं जा पाते वो यहाँ यहाँ पर पूजा करते हैं। पूजा होता है, पूजा होता है, जब सूरज ढलने लगता है उसको सब तो जाकर के ढल जल करते हैं, उनके पूजा करते हैं, समझ रहे हैं जी जी। चलिए, तो अब जम्मू कश्मीर में 370 के बाद आप तमाम लोगों को भी उतने ही अधिकार हैं जो पहले यहां से यहां के बाशिंदे हैं, तो ये एक खास बात है। अब जी सर जी, कई लोगों ने यहां पर अपने घर भी बना लिए होंगे। जी सर, तो छठ की पूजा जो है वो इस समय चल रही है, सूर्य जो है अस्त हो रहा है, ढलते सूरज के समय ये पूजा चल रही है, अर्घ दिया जाता है, चार दिनों तक ये जो त्योहार है वो मनाया जाता है, आज तीसरा दिन है और आज कल सुबह चढ़ते सूरज के साथ जो है अर्घ देकर इस त्योहार का समापन हो जाएगा। और खास तौर पर एक विशेष ये त्योहार रहता है यूपी बिहार झारखंड पश्चिम बंगाल आदि राज्यों के लिए, और देख सकते हैं यहाँ पर एक पंडाल सजाया गया है, लाइटिंग भी की गई है, पटाखे भी चलाए जा रहे हैं और बाहर के जो इन राज्यों के लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और सेलिब्रेशंस अपने अपने अंदाज में सेलिब्रेशन जो है वो चल रहा है। और कैमलडंगा में 2018 से इस त्योहार को मनाया जा रहा है, इससे पहले कुछ लोग जो हैं वो अंजी नदी के किनारे जाते थे, लेकिन उससे उसके बाद से यहाँ पर ये त्योहार मनाया जा रहा है। जी जी, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले आप लोगों को, आप ऑर्गेनाइजर भी लग रहे हैं, ऑर्गेनाइजर? जी सर बिल्कुल सर। तो कब से ये 2018 से ही इस तरह से मनाया जा रहा है या फिर एक दो सालों से ही ये पंडाल? नहीं सर, हम लोग कोई 5-7-8 साल पहले से हम लोग यहाँ पे उद्घाटन किए छठी मैया का, एक मुहूर्त से बना के हम लोग आज के डेट में अभी से भव्य तरीके से हम लोग मना रहे हैं और आगे भी मनाएंगे। आप लोगों का सहयोग चाहिए, रियासी वासियों को भी यहाँ पे थोड़ा सा सहयोग चाहिए, हम लोग धूमधाम से मनाएंगे यहाँ पे सर। ये जो पैसे यहाँ पे खर्च होते हैं क्या आप तमाम लोग इकट्ठा करते हैं या कुछ लोग ही इस पर? जी सर, ये हम लोग सारे हमारे बिहारी भाई मिल के, जो एक दो जितना भी यहाँ का भी है जो आदमी, वहाँ प्रशासन की तरफ से भी आप लोग चाहते हैं कि मदद हो, उनकी तरफ से भी कुछ सुविधाएं यहाँ पे दी जाए? जी सर, और बड़ा आयोजन हो। जी सर, हम लोग जाकर वहाँ पे अपना परमिशन भी लिए हैं, यहाँ पे रात का प्रोग्राम है हमारा, ठीक है, कोई 11-12 बजे रात को क्या कार्यक्रम? हम लोग को डीजे सिस्टम बजता है, हम लोग डांस भी करते हैं यहाँ खुशी के, यही फेस्टिवल हमारा बहुत महोत्सव है, बहुत अच्छा, बड़ी अलग फीलिंग रहती है इस दिन। जी सर, आज खुशी का महोत्सव लगाते हैं, पूरे दिन काम करते हैं लेकिन ये विशेष दिन रहते हैं, बहुत सारे जो लोग होंगे छुट्टी भी लेते होंगे। जी सर, हम लोग घर नहीं जा पाए इसीलिए हम लोग यहाँ पे एक मुहूर्त से रख के हम लोग पूजा पाठ कर रहे हैं और हम लोग घर में, जो हमारे घर में भी ये पर्व बहुत अच्छी तरह से मनाया जा रहा है और हम लोग सेलिब्रेशन कर रहे हैं यहाँ। कोशिश रहती है कि अपने घर जाया जाए, यूपी बिहार जाए? बिल्कुल, सबको किसका मन नहीं रहता अपने घर जाने को, लेकिन हम लोग जा नहीं पाए, काम है यहाँ पे, काम भी छोड़ना, बाल बच्चे भी देखना है, लेकिन यहाँ पे छठी मैया सब लोग को आशीर्वाद दे रही है और देख नहीं रहे कितने सारे हमारे औरतें हैं यहाँ पे, पूजा पाठ अच्छी तरीके से हो रही है और रियासी वासी हमारे लोकल भी भाई आए हैं यहाँ पे सारे, अगले साल लोकल भी कोई इधर किए थे पूजा। हाँ, मैंने देखा था, उनसे बात भी की थी इंटरव्यू के दौरान, बात भी की थी। थाली सजाकर लाते हैं, उसमें तमाम तरह का सामान होता है, क्या क्या होता है उसमें और क्या पूरा प्रोसीजर रहता है, प्रक्रिया रहती है? एक के सर बास्केट होता है कोई, मतलब लाने के लिए सामान, जिसमें कि नींबू होता है, गन्ने के पौधे होते हैं और केले भी होते हैं, मूली के पत्ते भी होते हैं, सेब होते हैं, नार होते हैं, बाकी सारे बहुत सारे फ्रूट होते हैं, अदरक भी होते हैं, बहुत सारा फ्रूट होते हैं, जैसे जो यहाँ के जितने औरतें यहाँ पे भूखी हुई हैं, जितने पर्व कर रहे हैं, कोई दो दिन भूखे ही रहते हैं बिना प्यासे, 48 घंटे का व्रत होता है बिना खाए पिए। महिलाएं ही व्रत रखती हैं या मर्द का भी त्योहार है और औरतों का भी त्योहार है, ये दोनों मिल के करते हैं सर, ये हमारा बहुत अच्छे पर्व है, हम इसको सम्मान देते हैं। नहीं सर, और सब खड़े हैं, अब कैसे बैठ सकते हैं महिलाओं के अंदर, उनको भी ये है कि अब महिलाओं के अंदर नहीं बैठ सकते हैं, लेकिन जैसे हटेंगे वैसे वहाँ पे कपड़े भी वहाँ पे रखे गए हैं। छठ माँ के लिए ये चढ़ावा होता है,
इनको हम चढ़ाते हैं और दान के तरह किसी को दान भी कर सकते हैं। ये छठ माँ का आशीर्वाद है, उनके लिए कपड़े हम रखते हैं। अब ढलते सूरज के साथ क्या ये खत्म हो जाएगी पूजा या फिर अभी चलेगी पूजा? नहीं सर, अभी ढलते समय को हम अर्घ थोड़ा सा देंगे जो सूरज भगवान स्थापित हो रहे हैं उसके लिए, और जैसे उगेंगे कोई सुबह सुबह 6 बजे 7 बजे उसके अंदर हम लोग सूरज भगवान को अर्घ देते हैं दूध से पानी के अंदर जाके। उसके बाद जैसे कि हम प्रार्थना करते हैं, प्रेयर करते हैं कि हे भगवान हमारे जैसे कि सुख समृद्धि दें और हमारे जैसे रियासी वासियों को हमारे को सभी को अच्छे तरीके से काम धंधा बरकत दें और छठी माँ का आशीर्वाद ऐसे ही बनता रहता है, उसमें प्रेम बना रहे और उसी के साथ ये त्योहार खत्म हो जाता है। बिल्कुल सर बिल्कुल, कल अर्घ देने के बाद ये सारे वर्तियां जो चाय पीती हैं और थोड़ा सा मुंह जूठा करती हैं उसके बाद तोड़ती है और घर में जाके जो है कि भोजन ग्रहण करती है। जी जी चलिए शुक्रिया धन्यवाद। तो उत्साह का माहौल जो है वो यहाँ पर देखा जा रहा है। पूजा की तस्वीरें एक बार फिर आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। तो छठ का त्योहार रियासी के कैमलडंगा में मनाया जा रहा है। यूपी बिहार झारखंड आदि राज्यों से जो लोग यहाँ पर काम के लिए आए हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं और इस त्योहार को मनाया जा रहा है। कुछ बाहर के लोगों ने यहाँ पर अपने घर भी बना लिए हैं और पटाखे भी चलाए जा रहे हैं। हर्षोल्लास के साथ धूमधाम के साथ छठ का त्यौहार रियासी में इस समय मनाया जा रहा है और ये सीधी तस्वीरें आप रियासी के कैमलडंगा में तालाब के पास से देख रहे हैं। तो चलिए फिलहाल इस तो चलिए फिलहाल इस कवरेज में इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति। धन्यवाद।